जय हिंद। तो आज मैंने अपना PYQ बेस्ड वाला मॉक नंबर 3 दिया था टेस्ट बुक का CPU 2024 के लिए। तो इसमें मेरा स्कोर बना है, देख सकते हैं 172.25। परसेंटाइल अभी भी 97.6 ही है, 97-98 के बीच में ही रह रही है बहुत जितने भी मॉक दिए हैं। बाकी इसमें रैंक क्योंकि वो कम लोगों ने अटेम्प्ट किया है कंपैरेटिवली, पहला वाला शायद 35 के लगभग था, ये वाला आधे से भी कम हो गया, 12,000 12,500 ने दिए। बाकी इसमें इंडिविजुअल स्कोर देख सकते हैं कि रीजनिंग में मेरा 48 अटेम्प्ट किए थे जिसमें एक गलत हो गया, और GS में काफ़ी अच्छा स्कोर आ गया है। GS इसकी बहुत ज़्यादा सरल थी, 40 भी आ सकता था स्कोर, मैंने 42 अटेम्प्ट किया था जिसमें 37 स्कोर आ गया, 4 क्वेश्चन ही गलत हुए केवल। तो GS इसमें काफ़ी ज़्यादा ही सरल थी। बाकी क्वांट अभी मेरा स्कोर 40 के ऊपर ही चल रहा है, 40, 42, 38, 39, 40 39 से 42 की रेंज में ही चल रहा है। ये तीसरा चौथा मॉक है तो बहुत दिनों से लगाया नहीं है, तो वही अभी स्पीड नहीं आई है मैथ में, और इंग्लिश में भी इसमें काफ़ी गलत हो गए, 9 क्वेश्चन अप्रोच गलत हो गए हैं। तो देखते हैं सॉल्यूशन कैसा क्या रहा इसका। तो सबसे पहले मैंने ये वाला छोड़ा, किस लिए छोड़ा था, 9, अच्छा ये तो ये बाद में ही देखा थोड़ा सा ट्रिकी तो था। 9 का इसमें 9 को 2 से गुणा करना था और 1 का स्क्वायर करना था, 9 × 2 = 18, 1 का स्क्वायर 1 तो 19, 5 × 2 = 10 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये लास्ट में मैंने समझ में आया बिल्कुल जब मैं सबमिट करने वाला था, तो ऑप्शन में मैं कंफ्यूज हो गया था, तो ये ऑप्शन फिर मैंने लगा नहीं पाया, वो सबमिट हो गया था मौके वाला। दूसरा एक यह है, दोनों ही इजी वाले क्वेश्चन थे, थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो आसानी से हो जाता, लेकिन वो ही है कि उस समय पे दिमाग ही काम नहीं किया। इसका ऐसा था कि 6 में से 1 घटाते 5, 5 को 3 से गुणा करते, 5 में से 3 घटाते 2, 2 को 3 से गुणा करते, तो इसमें यह 18 में से 15 में से 8 घटाते 7, 7 को 3 से गुणा करते, यही क्वेश्चन था एक किस्म का। तो फिर रहा ये, तो ये देख सकते हो इन क्वेश्चन को गलत करने का मतलब ये रहता कि आप फ्री में अपने नंबर कम कर रहे हैं, इनमें स्कोप ही नहीं है गलत करने का, 78% ने सही किया है। तो ये एक क्वेश्चन गलत हुआ, वो भी इतना इजी वाला। और GS में रिवर धौली गंगा, विच ऑफ द माउंटेन धौली गंगा के पास है, तो ये नंदा देवी है, इसको नंदा देवी और कामेट ये दोनों ही उत्तराखंड में है, अनाईमुडी तो केरल में है, हाथी पर्वत मुझे पता ही नहीं था, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन था तो मैंने कामेट लगा दिया। लेकिन कामेट के बारे में मैंने क्या दे रखा है, कामेट नंदा देवी के बाद दूसरा सबसे ऊँचा, मतलब उत्तराखंड में नंदा देवी पहले नंबर पे आता है, उत्तराखंड में कामेट दूसरे नंबर पे आता है, ये धौली गंगा के पास भी है। और इस क्वेश्चन के हिसाब से अब ये देखो यही गलत कर दिया क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले, मैंने प्रार्थना समाज लगा दिया, आत्मारान पंडुरंग, पता नहीं क्या ही उस समय दिमाग में चल रहा था मेरे। तो यही है, छोटे छोटे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में, एक ये गलत हो गया। जुआन जांग कई बार पढ़ा भी है कि हुआन सांग को जुआन जांग भी कहते हैं, लेकिन मैंने वही में टिक कर दिया। ये मैंने फिर नीचे देखा ही नहीं कि हर्ष का वर्धन का दरबारी का भी बाण भट्ट था, लेकिन ये हरिशेण मैंने पढ़ा ही नहीं, वो जुआन जांग देख के ही लगा दिया मैंने। तो ये भी एक ईजी क्वेश्चन गलत हो गया GS में, तो ये दो क्वेश्चन ये सही होते तो 40 नंबर हो जाते। तापमान की निम्न वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा, ये
ह्यूमिड ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट की है। भूमध्य सागरीय में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, भूमध्य सागरीय में ये लिखा भी है भूमध्य सागरीय के लिए कि गर्म शुष्क ग्रीष्मकालीन और गर्म वर्षा वाली सर्दियाँ भूमध्य सागर की विशेषताएं हैं। और मैथ में तो मैथ में भी आप देख सकते हैं कि ये वाला लघुत्तम समापवर्तक ही गलत हो गया। उन्होंने 5.4/10 कर तो दिया था, लेकिन वो क्या था, 2 से मल्टीप्लाई भी करना था, तब वो 2 से मल्टीप्लाई ही नहीं किया मैंने। इजी क्वेश्चन। और ये वाला सीरीज का क्वेश्चन था, तो इसके सीरीज बहुत दिनों से पढ़ी नहीं थी, लेकिन लास्ट में मैंने ऑप्शन निकाल लिया था, एन बराबर मैंने निकाल लिया था 49। वो इधर से ही पता पड़ जाता है, लेकिन वो मुझे पता नहीं था, तो वो पता ही नहीं चल पाया। तो एन बराबर 49 आया, मैंने एन प्लस वन का मान निकाल दिया, 49 और 50 की गुणा कर दी, तो ये मैंने 2450 लगा दिया था। बिल्कुल लास्ट टाइम पे तो मैं कर भी रहा था, और ये भी गलत कर दिया, जबकि n(n-1) करना था। तो एक इजी क्वेश्चन गलत हो गया, दूसरा इजी क्वेश्चन, इजी नहीं था मतलब उस समय पे हो गया था, बस कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। और ये मैंने पढ़ा ही नहीं ढंग से। राज्य ए की जन्म दर 1.5 है, और डी की जन्म दर 9 है, 15 छक्का 90, 1/6 आएगा, तो उसका परसेंटेज वैल्यू यही बनती है 16.6s। तो 1 और 2 दोनों ही सही थे इसमें, मैंने केवल 2 लगा दिए जल्दी देखे जल्दी जल्दी के चक्कर में। अब देख लो कितने ही, ये ट्रिकी क्वेश्चन था, मतलब 7 ठीक 2 बार कितना आता, तो मैंने ये जब मैं 700 वाली रेंज में गया तो 717 में भी 2 आता है, तो ये वाली मैंने पढ़ी नहीं, 727 737, ये मैंने एक भी पढ़ी नहीं, तो मैंने सोचा ये उतने टाइम ही आएगा कि एक 770 से चालू करेंगे तो 771 इसमें 2 बार आएगा, ऐसे करते गिने मैंने, तो वो ये वाली लाइन मैंने छोड़ दी कि 707 भी आएगा 717 भी आएगा। और ये जब -2 था, अंदर माइनस था ऊपर होल स्क्वायर था, तो प्लस में खोलना था, लेकिन मैंने माइनस लगा दिया चिन्ह, ये भी एक ही क्वेश्चन गलत कर दिया। अब ये देखो इसमें कितने गलत किए, पूरा क्लोज टेस्ट गलत है, 2 3 एक ही क्वेश्चन सही है क्लोज टेस्ट में, बाकी 4 क्वेश्चन गलत, 3 क्वेश्चन गलत है 5 में से क्लोज टेस्ट। तो ये क्लोज टेस्ट कभी कभी नहीं बन पाता है, तो पूरा ही गलत हो जाता है, उसमें फिर कोई स्कोप नहीं रह जाता है, अगर बनता है तो बनता है, नहीं तो फिर वो पूरा ही गलत हो जाता है। और ये विद फूड ग्रेनरीज ओवरफ्लोइंग द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू लिक्विडेट इस ग्रेन, जब नो एरर होता है तो वो फिर कुछ समझ में नहीं आता, वो आपको लगता है कहीं ना कहीं तो एरर हो गई, आप कहीं ना कहीं एरर लगा भी देते हो, नो एरर वाले बहुत कम सही हो पाते हैं। लिमिट इधर पे अगर देखें तो लिमिट वर्ब है, जबकि हमें इधर लिमिट नाउन चाहिए था, तो लिमिटिंग आएगा ये वाला, अगर थोड़ी सा ध्यान से करते क्वेश्चन को पढ़ते तो हो जाता, लेकिन वही है क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा तो निपट गया भाई। ऑल दो हिज विदर इज ब्लाइंड ही इज वेरी फास्ट एट कैलकुलेशन, ये वाला बहुत पहले मैंने मेंस का मॉक दिया था तब भी ये आया था, मेंस के मॉक में तब भी गलत किया, तो अब भी गलत कर दिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा अभी तक। Although his brother is blind, he is very fast at calculation. मतलब कन्फ्यूजन इन दो ही में ही था और दोनों ही वही गलत हो गया। कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा था इसमें, कॉम्प्रिहेंशन ये वाला मैंने निकाल लिया था, लेकिन पता नहीं कैसे ये वाला टिक लगा दिया मैंने, इसमें देखा बी का सेकेंड है तो मैंने सी में थर्ड लगा दिया, वही जी क्वेश्चन, मतलब निकाल भी लिया फिर भी गलत हो गया। ये वाला था थोड़ी सा ट्रिकी, इसको तो कहेंगे, बाकी आप लोग अपना स्कोर बताइए कैसा रहा। मेरा तो ये था मॉक कि भाई जीएस में 2 इजी क्वेश्चन गलत हो गए, 1 इंग्लिश में गलत हो गया, मैथ में ज़्यादातर इजी क्वेश्चन ही गलत हुए, तो ये जो 162.5 था तो ये इजी मॉक था, तो इसमें कम से कम 170 आना ही चाहिए था स्कोर,
170 अगर स्कोर आता तो अच्छी खासी रैंक बन जाती, अच्छी खासी मतलब 56 में पहुंच जाते सीधे। जो अभी दिखा रहा है कि हम भाई 200 के लगभग में डले हैं, 300 है अभी तो पूरी, तो ये आराम से 56 में पहुंचा जा सकता था। बाकी आप लोग भी कमेंट करके अपने स्कोर बताइए कितना रहा। बाकी अब नेक्स्ट मूव जो दिया था फुल लेंथ वाला, वो थोड़ी देर में अपलोड करेंगे। धन्यवाद।